हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दूंगी, जिसको मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा था कि बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, ब्यूटी चैनल्स हैं, उनके ओनर्स जो हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत एक अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि ये बहुत असरदार है, हम इतने साल से यूज़ कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैंने मंगाया था, आप देखेंगे इसमें, तो इस पिक्चर में मैंने मंगाया हुआ है और यूज़ भी किया और अभी भी यूज़ कर रही हूँ। यार इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं, वैसे तो नहीं फेंक दूंगी चाहे कैसा भी हो, पर वो मुझे इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। कैसे ख़ास नहीं लगा कि मैं पहले एक जो अपना यूज़ कर रही थी पहले से ही शैम्पू, मैं शैम्पू की बात कर रही हूँ यहाँ पे, शैम्पू मैं यूज़ कर रही थी वो मेरे बालों को मॉइस्चर देता था, मॉइस्चराइज्ड रखता था। अब जैसे ही मैंने उस बड़े चैनल की ओनर जो थी उनका रिव्यू देखा और देखा कि भाई बाल तो बहुत अच्छे हैं उनके ऑब्वियसली, तो फिर मैंने यूज़ किया और सरप्राइज हो जाएंगे आपके बाल बहुत ही ड्राई हो गए मेरे, बहुत ही नहीं बोलूँगी मैं, पर जो मैं यूज़ कर रही थी उससे ज़्यादा ड्राई हो गए। जितना उन्होंने बिल्कुल बखान किया था कि नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत ही अच्छा रहता है, अच्छा तो है, पर मैं जो पहले से शैम्पू यूज़ कर रही थी उससे कंपेयर करूँ तो वैसा तो बिल्कुल नहीं था। मेरा जो पहले वाला शैम्पू था ना, तो मेरे स्कैल्प को इतना ज़्यादा ड्राई करता था और मेरी डैंड्रफ को बहुत अच्छे से क्योर करता था और ऑयल को बहुत अच्छे से हटाता था और बाल को तो बिल्कुल फ्रिज नहीं करता था। अब मैंने इंस्पायर हो करके उनके बताए हुए शैम्पू को मंगाया और यूज़ किया, तो फर्स्ट वॉश में मेरे बालों पे ऑयल नहीं लगा हुआ था, तो मैंने लगाया, बाल ड्राई हो गए। अब बाल ड्राई हो गए तो मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, शैम्पू से ऑयल होना चाहिए, उसके बाद शैम्पू करना चाहिए, तभी बाल ड्राई नहीं होंगे। तो फिर सेकेंड टाइम पर मैंने ट्राई किया, अच्छे से ऑयलिंग की अपने बालों पर, और ऑयलिंग करने के बाद जब मैंने यूज़ किया तो भी ड्राई थे बाल मेरे, ड्राइनेस तो थी ही। और उसके बाद समझ गई मैं कि नहीं, ये मुझे पसंद नहीं आया, मैं जो शैम्पू यूज़ कर रही थी उसके मुकाबले ये पसंद नहीं आया। और मैं शैम्पू तो वैसे DIY शैम्पू जो घर पे बनाती हूँ रीठे से वो ही यूज़ करती हूँ, आप मेरे चैनल पेज पे जाकर के देख सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कि शैम्पू मैंने कैसे कैसे बनाया। और जब ऑयल नहीं निकलता उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि पहले अपने बालों पे बेसन लगा के वॉश करती हूँ, दो बार लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से निकल जाता है ऑयल। अब उसके बाद जैसे कि बालों को कंडीशन करना है, क्योंकि बेसन तो ड्राई होता है ना, तो ड्राइनेस ख़त्म हो जाए इसके लिए मैं रीठे का यूज़ करती हूँ, रीठे का पाउडर हो या फिर रीठे का पानी जो बॉईल करके बनाते हैं वो, उसको अच्छे से एक बार लगा करके चार मिनट जितना भी आपके पास टाइम है वो लगा करके छोड़ के उसके बाद में वॉश करती हूँ, तो उससे बेस्ट तो कोई शैम्पू ही नहीं है। अब ये वाला जब मैंने यूज़ किया तो वो तो मुझे पसंद नहीं आया, और जो मैं कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में होते हैं तो कभी कभी हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है कि हम इतने सारे प्रोसेस करें, दो बार वॉश करें बेसन से, उसके बाद फिर रीठा लगा करके रखें, उसके बाद कुछ देर वेट करें, तो उस जो कंडीशन होती है उस टाइम उसके लिए मैं शैम्पू रखती हूँ। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मुझे जल्दबाजी होती है तो मैं शैम्पू ही यूज़ करती हूँ, लेकिन बेस्ट शैम्पू जो मुझे सूट कर रहा है और कभी मुझे शिकायत नहीं हुई तो वो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए। तो आप लोगों को अगर लगाना है तो बेशक लगाइए, किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं उनके लिए ये शैम्पू बहुत अच्छा है। शैम्पू का नाम है नेचुरली शैम्पू, तो ये जो ऑयली हेयर्स होते हैं जिनके स्ट्रैंड्स ऑयली होते हैं उनके लिए तो अच्छा हो सकता है, ट्राई करें और बताएं मुझे। ऑयली हेयर्स वाले जिनके स्ट्रैंड्स भी ऑयली हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, और मेरी जो है स्कैल्प ऑयली है पर जो हेयर के स्ट्रैंड्स हैं वो ड्राई हैं, तो
ऑयल तो दोनों शैम्पू जो मैं पहले यूज़ कर रही थी वो भी ऑयल अच्छे से निकाल रहा था और ऑयल तो ये भी अच्छे से निकाल रहा है, लेकिन हेयर के जो स्ट्रैंड्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं नेचुरली वाले शैम्पू से, और जो मेरा पहले का शैम्पू है उससे नहीं हो रहे। तो मेरा जो पहले वाला शैम्पू जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी पहले, उसका मैं रिव्यू आपको और उसका नाम आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तो आप अपनी इच्छा से यूज़ कीजिए और मुझे भी बताइए कि क्या आप में से किसी को फ़ायदा हुआ उस शैम्पू से, नेचुरली शैम्पू, जो कि एक बहुत बड़े चैनल की ओनर हैं उन्होंने बताया था, उन्हीं के कहने पे मैं भी यूज़ कर रही थी। तो बताइएगा मुझे भी किसको किसको ये सूट हुआ, जिनके हेयर्स ड्राई हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं हेयर के वो ड्राई हैं, वो ज़रूर बताएंगे क्या उनके भी स्ट्रैंड्स हैं ड्राई हो रहे हैं उस शैम्पू से या फिर नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा फ्रिज वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, फिर इसे यूज़ करेंगे, नेचुरली शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मैं उससे भी बहुत अच्छा माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रही हूँ इसलिए मुझे उसका ऐसा रिजल्ट मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप पहले कौन सा यूज़ कर रहे हैं। पहले आप यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड तो आपको नेचुरली शैम्पू बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप पहले से मेरी तरह बहुत माइल्ड वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको उतना इफ़ेक्टिव नहीं लग सकता है। तो मैं कौन सा यूज़ कर रही थी उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। और जो ये नेचुरली शैम्पू है इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, 529 का 300 ml का शैम्पू आता है, और मेरा शैम्पू जो मैं पहले यूज़ कर रही थी वो बहुत चीप है, इसके कंपैरिजन में चीप है वो। तो देख लीजिए अगर आपके बजट में है या फिर आपको सूट कर रहा है उस हिसाब से यूज़ कीजिए। आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे शैम्पू मिल जाएंगे जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं और इफ़ेक्टिव भी उतने ही हैं, इवन उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो बहुत सोच समझ करके शैम्पू यूज़ कीजिए, सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा ड्राई बनाता है। उसकी जगह पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आते हैं जो कि फोम बनाने का काम करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।